हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सीरत किचन में खाना बना रही होती है, तभी मनवीर आती है और पूछती है, ये क्या कर रही हो? सीरत कहती है कि मैं छोले भटूरे बना रही हूँ अंगद के लिए। यहाँ पर सीरत बहुत ही ज़्यादा केयर दिखाती हुई नजर आएगी अंगद से और कहेगी कि उसने कुछ भी नहीं खाया है कल सुबह से, क्या पता वो अपनी फेवरेट चीज़ देख करके खा ले, और वह हमेशा से मुझे एज अ फ्रेंड सपोर्ट करता है, तो अब मेरी ड्यूटी है कि मैं उसका ख्याल रखूं। मनवीर कहती है, सीरत तुम कितना कुछ करती हो अंगद के लिए, इस फैमिली के लिए, और तुम्हें मैं बताती हूँ कि अंगद के फेवरेट छोले भटूरे कैसे बनाते हैं। तभी वो क्रिटिसाइज़ करती है साहिबा को अंगद की लाइफ से भाग जाने के लिए और कहती है, साहिबा को चुपचाप चले जाना चाहिए था इंस्टेंट कोई ड्रामा करे बिना, क्योंकि यहाँ पर पार्टी से पहले ये तूफान आना था ऐसे किसी को नहीं पता था। तभी वो माफ़ी मांगती है उसकी बहन के लिए बुरा बोलने की। सीरत कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी गलत को सपोर्ट नहीं करती, वैसे भी चाहे वो मेरी बहन हो लेकिन उसने वाकई में अंगद के साथ गलत किया है। वो कहती है कि अंगद यहाँ पर डिप्रेशन से बाहर आएगा और तभी वो साहिबा को अपने से दूर कर पाएगा। मनवीर कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत थैंकफुल होंगी अगर तुम साहिबा की यादें अंगद के दिल से मिटा पाओ। सीरत कहती है कि जी मम्मी जी। तभी माफ़ी मांगती कहती है मामी जी। वो कहती है कि मैं बस यही करूंगी जो आप चाहती हैं। तभी एक अनजान सा आदमी होता है जिसका नाम रूमी होता है, वो कॉलेज जाता है एडमिशन में लेने फोटोग्राफी कोर्स में, और वो साहिबा के आसपास होता है। रिसेप्शनिस्ट उसे इरिटेट हो जाती है देखकर कि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, और रूडली कहती है कि सीट्स फुल हो चुकी हैं। रूमी यहाँ पर फिक्स करता है कंप्यूटर को और चेक करता है साहिबा की प्रोफाइल और सोचता है कि ये तो अंगद सिंह बरार की वाइफ है, लेकिन आखिर इन्होंने अपना नाम मोंगा क्यों रख रखा है। और तभी वह स्पेशल गिफ्ट आज उसको भेजेगा ऐसा वो मन बनाता है। इधर रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि क्या तुमने ये ठीक कर दिया? वो कहता है कि हाँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि क्या बात है, ऐसा लगता है कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। तभी एक आदमी होता है, लड़का, उसका नाम कार्तिक होता है। वो कहता है ये लास्ट स्टूडेंट है जिनको एडमिशन मिल रहा है फोटोग्राफी में, इसलिए अब आप कल आना दोपहर में ओरिएंटेशन के लिए। रूमी कॉन्ग्रेचुलेट करता है कार्तिक को। यहाँ पर वीर अंगद के सिग्नेचर लेता है एक फाइल पर ऑफिस जाने से पहले। कीरत उसे बुलाती है। अंगद यहाँ पर उससे कहता है कि तुम कीरत का कॉल पिक कर लो, क्या पता वो इम्पोर्टेंट हो। वीर कहता है कि हाँ ये कीरत की कॉल है, और वो कहती है कि अंगद मैं आपके सामने इसका कॉल पिक नहीं करूँगा, साहिबा के पेरेंट्स भी जानना चाहते हैं कि आखिर आप दोनों के बीच में हुआ क्या है। अंगद कहता है कि साहिबा ने इन्फॉर्म नहीं किया, वो कहाँ गई है? तभी वीर कहता है कि नहीं, वो सब बहुत परेशान है। यहाँ पर मेड इतने में एक बुके लाती है और कहती है ये किसी ने साहिबा जी के लिए भेजा है। सीरत अंगद के लिए खाना लाती है, और तभी एक पत्थर अंगद की उंगली पर आकर के गिरता है, और तभी वो देखता है कि बुके में एक नोट भी है। सीरत कहती है कि साहिबा को ऐसे नहीं जाना चाहिए था तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके, और वो बुरा बुरा बोलने लगती है साहिबा के लिए। अंगद कहता है कि तुमने ठीक से सुना नहीं, किसी ने ये बुके साहिबा को भेजा है, साहिबा ने किसी को नहीं भेजा। रूमी तभी यहाँ पर कॉलेज के आजू बाजू घूम रहा होता है, नोटिस करता है साहिबा एज अ मॉडल खड़ी है। टीचर एक्सप्लेन करती है साहिबा को कि ये मॉडलिंग थीम है जिसका नाम है लेडी इन पिंक साड़ी, और ये अलग अलग तरीके की थीम्स पर हम अब से काम करेंगे और ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मॉडल बनने का मौका मिलेगा। साहिबा के क्लासमेट भूल जाते हैं ब्रश, और वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारे कमरे से ले आऊं? साहिबा कहती है कि वो रही मेरे रूम की चाबी, तुम जाओ और ले आओ। तभी रूमी को रियलाइज़ होता है कि साहिबा हॉस्टल में रह रही है, वो सोचता है कि तो फिर वो बुके किसने रिसीव किया। अंगद मैसेज पढ़ता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा मिर्ज़ा मेरी प्यारी साहिबा के लिए। सीरत कहती है क्या पता साहिबा का ऑलरेडी पहले से बॉयफ्रेंड था या फिर उसका अब नया आशिक बना है। तभी वो कहती है ये सब बहुत अनप्रडिक्टेबल है कि वो हमेशा दूसरों को हर्ट करती है। अंगद कहता है कि मैं साहिबा से मिलूंगा और पूछूंगा ये मिर्ज़ा कौन है। सीरत बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है, वो कहती है तुम्हें क्यों मिलना है अब साहिबा से। कार्तिक यहाँ पर फोटोज़ लेता है पेंटिंग की। रूमी इंट्रोड्यूस कराता है सबसे, वो कहता है कि मैं फोटोग्राफी कोर्स के लिए आया था लेकिन सीट्स फिल हो गई हैं। कार्तिक कहता है कि तो तुम कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो, मैं अपनी सीट तुम्हें नहीं दूंगा। कार्तिक कहता है कि मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कहीं और जाकर के कोर्स कर पाऊं, ये कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बाद मिला है। रूमी कहता है कि मैं तुम्हें
लेडी इन पिंक साड़ी के आसपास नहीं रहने दूंगा, मुझे ये सीट चाहिए। कार्तिक मना करता है और उसे धमकी देता है कि वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म कर देगा। रूमी उसे मारता है वास से और वो बेहोश हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें साहिबा से मिलने नहीं दे सकता। अंगद अभी कॉलेज पहुँचता है, रियलाइज़ करता है कि वो अपना फ़ोन घर पर भूल गया है। रूमी यहाँ कार्तिक को चेयर से बांधता है और कार्तिक पूछता है कि ये सब क्या कर रहे हो। रूमी कहता है, मैंने तुमसे पोलाइटली रिक्वेस्ट किया था लेकिन तुमने नहीं सुना। अब वो कार्तिक की आईडी कार्ड लेता है और कहता है, अब से ये मेरी नई पहचान है ताकि मैं साहिबा के करीब जा सकूं, उसके स्मेल को एक्सपीरियंस कर सकूं, उसे छू सकूं। मिर्ज़ा कहता है कि साहिबा का जो दरवाज़ा है वो भी तुम्हारे ऊपर ओपन नहीं होगा अगर मैंने ये इन्फॉर्म कर दी कि मैं ये इस तरीके से यहाँ पर आ रहा हूँ। वो कहता है कि हाँ, ये गुड न्यूज़ तो मेरी माँ को भी पता चलनी चाहिए। क्लास के बाद साहिबा के क्लासमेट कहते हैं कि क्या तुम हमें मेस में साथ में कंपनी दोगी। साहिबा कहती है कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग जाओ। क्लासमेट कहते हैं कि वैसे साहिबा, आज तो लग बहुत कमाल रही है, अगर तेरा पति तुझे ऐसे देखता ना तो वो एकदम फ्लैट हो जाता तुझे इस तरीके की साड़ी में देख कर। तभी साहिबा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। तेरी मेरी डोरियों के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सीरत किचन में खाना बना रही होती है, तभी मनवीर आती है और पूछती है, ये क्या कर रही हो। सीरत कहती है कि मैं छोले भटूरे बना रही हूँ अंगद के लिए। यहाँ पर सीरत बहुत ही ज़्यादा केयर दिखाती हुई नजर आएगी अंगद से और कहेगी कि उसने कुछ भी नहीं खाया है कल सुबह से, क्या पता वो अपनी फेवरेट चीज़ देख करके खा ले, और वह हमेशा से मुझे एज अ फ्रेंड सपोर्ट करता है तो अब मेरी ड्यूटी है कि मैं उसका ख्याल रखूँ। मनवीर कहती है, सीरत तुम कितना कुछ करती हो अंगद के लिए, इस फैमिली के लिए, और तुम्हें मैं बताती हूँ कि अंगद के फेवरेट छोले भटूरे कैसे बनाते हैं। तभी वो क्रिटिसाइज़ करती है साहिबा को अंगद की लाइफ से भाग जाने के लिए और कहती है, साहिबा को चुपचाप चले जाना चाहिए था इंस्टेंट कोई ड्रामा करे बिना, क्योंकि यहाँ पर पार्टी से पहले ये तूफान आना था ऐसे किसी को नहीं पता था। तभी वो माफ़ी मांगती है उसकी बहन के लिए बुरा बोलने के। सीरत कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी गलत को सपोर्ट नहीं करती, वैसे भी चाहे वो मेरी बहन हो लेकिन उसने वाकई में अंगद के साथ गलत किया है। वो कहती है कि अंगद यहाँ पर डिप्रेशन से बाहर आएगा और तभी वो साहिबा को अपने से दूर कर पाएगा। मनवीर कहती है कि मैं तुम्हारा बहुत थैंकफुल होंगी अगर तुम साहिबा की यादें अंगद के दिल से मिटा पाओ। सीरत कहती है कि जी मम्मी जी। तभी माफ़ी मांगती कहती है, मामी जी। वो कहती है कि मैं बस यही करूंगी जो आप चाहती हैं। तभी एक अनजान सा आदमी होता है जिसका नाम रूमी होता है, वो कॉलेज जाता है एडमिशन में लेने फोटोग्राफी कोर्स में, और वो साहिबा के आसपास होता है। रिसेप्शनिस्ट उसे इरिटेट हो जाती है देखकर कि कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, और रूडली कहती है कि सीट्स फुल हो चुकी हैं।